दोस्तों आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैंने श्री रामचंद्र जी की फोटो, मंदिर, बॉर्डर, दिया, बैकग्राउंड ये सभी मैंने डाउनलोड कर लिया है। कुछ नेट से डाउनलोड किया है, कुछ मैंने खुद ही बनाया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल मैंने बिल्कुल वर्ग आकार में ड्रॉ कर लिया है। कीबोर्ड से पी प्रेस करके पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसमें हम इन सभी मैटर को सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो फ्लावर बॉर्डर है इसको मैं टॉप साइड में सेट कर देता हूँ। इसको मैंने फ्लावर गेंदा बॉर्डर टाइप करके डाउनलोड किया है। इसकी साइज फुल में रखेंगे। उसके बाद जो लरी फ्लावर है उसको भी हम यहीं पर सेट कर देते हैं। लरी की साइज थोड़ी सी मैं बड़ा कर देता हूँ और जस्ट इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है। वैसे इसको बहुत बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसी का हम जस्ट डुप्लीकेट करेंगे और लेफ्ट साइड में भी इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मिरर कर देंगे। अब इसी समय चाहें तो इसको इसी रेक्टेंगल के अंदर कर ले पावर क्लिप। इसको मैं फ्रंट में कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद इसमें हम बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसका चाहे ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी थोड़ा सा आप और बढ़ा दें। तो उसके लिए कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करेंगे। इसके ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब इसमें हम मैटर भी सेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंदिर में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। साइज इसकी फुल कर लेते हैं और बॉटम साइड से जो है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि किसी बैकग्राउंड में ये मंदिर मिक्स हो जाए बॉटम साइड से। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे। सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ बॉटम साइड में, तो ये हो जाता है मंदिर इसी में मिक्स। उसके बाद से रामचंद्र की प्रतिमा में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर साइज इसकी थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ, हल्का सा और टॉप साइड में रखेंगे। उसके बाद इन सभी मैटर को भी हम सेट करना शुरू करते हैं। तो इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है सेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने मैटर सेट कर लिया। उसके बाद बॉटम साइड में आएंगे और यहाँ पर हम कुछ दिया भी यूज में ले लेते हैं। तो सिंपली मैं दिया ये जो मैंने डिजाइन किया था इसको बॉर्डर के तौर पर हम बॉटम साइड में सेट कर लेते हैं। साइज इसकी और भी थोड़ी सी छोटी रखेंगे। इस दिया को हम टॉप साइड में भी रखेंगे क्योंकि दीप जलाए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। तो बॉटम साइड में भी कुछ दिया हम सेट कर लेते हैं, कम से कम 5 दिया तो रखते ही हैं। तो जस्ट इसी का डुप्लीकेट करें सिंपली और यहाँ पर सेट कर लें। 5 दिया मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। चाहे तो इसको आप स्टाइल में भी थोड़ा सा रख सकते हैं। वैसे मैंने तो इसको सिंपल सिंपल सा रख दिया है, एक के ऊपर एक इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो मैं सेट करके देखता हूँ। तो सीधे से ये थोड़ा सा अच्छा तरीका लग रहा है। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और फिर सिंपली मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। साइज थोड़ी सी इसकी और छोटी कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर हम एक लाइन सेट करने वाले थे लेकिन यहाँ पर दिया भी काफी अच्छा लग रहा है और दीप जलाएं टाइप भी किया हुआ है, तो ये बेस्ट है यहाँ पर। उसके बाद बॉटम साइड में आएंगे और वही सेम तरीका दिया मैं यहाँ पर कर देता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पर खूब सारा दिया जो है मैंने डुप्लीकेट करके बॉर्डर बना लिया है। साइज इसकी और छोटी कर लेते हैं। सभी को सिलेक्ट करें, साइज छोटी कर लें और बॉटम साइड में एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद इसमें हम ग्रेडियंट कलर फिल करते हैं। वैसे हम इसमें ब्लू से रिलेटेड फिल कर देता हूँ ताकि टॉप साइड से ये मैच करने लगे। तो सिंपली मैं इसमें फिल कर लेता हूँ। ब्लू कलर्स में मैजेंटा थोड़ा सा कम है। कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहाँ पर सैंड कलर, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, रिपीट एंड मिरर। अब इसको सेंटर में लाएंगे। उसके बाद टॉप साइड में जो है थोड़ा सा यहाँ पर खालीपन नजर आ रहा है,
तो चाहे श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा कॉपी करें और इसकी जो है साइज बढ़ा दें। साइज बढ़ाने के बाद इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करें, सिंपली प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर लें यूनिफॉर्म और यहाँ से मोड भी चेंज कर लें। अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखने वाला है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से 90%, ये परफेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप किसी के तरफ से शुभकामना संदेश देना चाहते हैं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, तो उसकी फोटो भी यहाँ पर सेट कर लें। फोटो जो है इंसर्ट कर लिया है, इसके बैकग्राउंड को मैंने फोटोशॉप में जाकर रिमूव भी कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, साइज इसकी थोड़ी सी और छोटी रखेंगे और इसको मैं बॉटम साइड से मिक्स कर देता हूँ जैसे मंदिर मिक्स किया था। तो टूल्स में जाए, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करें, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, ये हो जाता है इसी में मिक्स। अब इनका नाम भी टाइप कर लें, तो सिंपली इस टेक्स्ट का मैं करता हूँ डुप्लीकेट और नेम यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, इनका नाम आर्यन है तो मैं सिंपली आर्यन यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन बना लिया है श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के ऊपर। दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।